पैराडॉक्स रैपर के नाम से पॉपुलर तनिष्क सिंह 19 साल के गिटार प्लेयर और रैपर हैं। तनिष्क गिटार प्लेयर के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा इन्हें इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट के तौर पर भी लोगों ने खूब पसंद किया। फिलहाल ये इंडियन रियलिटी शो MTV हसल में आपको दिख जाएंगे। इन्होंने अपनी इस 19 साल की एज में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो अपनी मंजिल तक जाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। ये जहाँ भी रैप करते हैं वहाँ इनकी खूब तारीफ होती है, जो इन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। इन्होंने इसी साल यानी 2022 में ही MTV के हसल प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, जिसके बाद ये पूरे देश के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने में कामयाब हुए। इसके पहले भी इन्होंने कई रियलिटी शोज किए थे, लेकिन इस MTV परफॉर्मेंस से इन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तनिष्क सिंह पैराडॉक्स का जन्म 16 जुलाई 2003 में दिल्ली में नजफगढ़ में हुआ था। अभी इनकी उम्र 19 साल है और पिछले साल यानी 18 साल की उम्र में ही पूरी दिल्ली इनके नाम से वाकिफ थी। खैर, अभी इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है, भारत में लाखों फैंस भी बन चुके हैं। इसकी वजह तनिष्क सिंह की कला है। तनिष्क सिंह पैराडॉक्स लगभग 12 साल की उम्र से ही गिटार बजाने में माहिर हो चुके थे। उन्हें इतनी कम उम्र में गिटार बजाने का पूरा अंदाजा हो चुका था। अभी इनके MTV हसल प्रोग्राम में इनवाइट किए जाने पर ये अपनी कला को पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैलाने में सफल हुए। तनिष्क सिंह पैराडॉक्स रैपर अपनी स्नातक की शिक्षा भी पूरी करने में कामयाब हुए। इन्होंने दिल्ली से ही स्कूली शिक्षा प्राप्त की और स्नातक को भी दिल्ली के ही कॉलेज से पूरा किया। जहाँ तक इनका प्रयास रहा है कि अब वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संगीत कला की ओर से ये शुरू से ही आकर्षित थे और इनका मानना है कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। इन्होंने जिक्र किया था कि उनका सपना है कि वो फिल्म में भी काम कर सके, जिसके वजह से उन्हें और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। तनिष्क सिंह पैराडॉक्स अपने बचपन से ही म्यूजिक एडिक्ट हो चुके थे। पहले उन्हें गानों को सुनना पसंद था और बाद में वो खुद गानों की धुन में अपनी राइमिंग जोड़ने लगे। शुरुआत में उन्होंने गिटार बजाना सीखा और इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स पर भी ध्यान देने लगे। जैसा कि आपको पता है, तनिष्क सिंह 12 साल की उम्र में ही गिटार के प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगे थे। जब वो स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तभी से ही इन्होंने म्यूजिक को बहुत महत्व दिया। आपको बता दें कि तनिष्क सिंह के परिवार की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि वो कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन चुनकर ट्रेनिंग ले सके। ये एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लड़के हैं। जो लोग परेशानियों की वजह से हार जाते हैं, उनके लिए तनिष्क सिंह का जीवन एक उदाहरण देता है कि लगन और मेहनत के बलबूते हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हालांकि अभी इनकी मंजिल पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो जल्दी ही इस मुकाम पर पहुँच जाएंगे और भविष्य में बड़े पैमाने पर अपना प्रदर्शन करेंगे। तनिष्क सिंह पैराडॉक्स रैपर अभी कुछ समय पहले ही वायरल हुए थे, क्योंकि उन्होंने रोहन करियप्पा के रैप सॉन्ग को करने का चैलेंज लिया था। इस चैलेंज के मुताबिक तनिष्क सिंह को सिर्फ 1 मिनट में अपने प्रदर्शन को दिखाना था और उन्होंने वो कर दिखाया। तनिष्क सिंह ने 1 मिनट के चैलेंज में टॉप पार्टिसिपेंट में अपना नाम दर्ज कराकर साबित कर दिखाया। तनिष्क सिंह ने देसी हिप हॉप सॉन्ग में प्रदर्शन किया। इन्होंने दूसरे फेमस कलाकारों के साथ मिलकर वीडियो अपलोड भी की थी और ये वीडियो काफ़ी पसंद भी की गई। बाद में तनिष्क ने नेपाली सॉन्ग मेकर्स के साथ भी काम किया। इसके बाद तनिष्क को MTV द्वारा इनवाइट किया गया, जिसमें उन्होंने MTV हसल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। MTV के इस प्रोग्राम में तनिष्क सिंह की कला को देखकर रैप सॉन्ग के प्रसिद्ध बादशाह ने उन्हें गले लगाकर मोटिवेट किया। तनिष्क सिंह ने अपने म्यूजिक करियर में हनी सिंह और बादशाह को फॉलो किया है। तनिष्क ने कुछ दिनों पहले ही अपने ग्रेजुएशन करने पर ध्यान दिया है, क्योंकि वो रियलिटी शो की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।